हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है, आप उसको जरूर दबा दीजिए और उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है, आप उसको भी जरूर दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बॉर्डर डिजाइन बनाएंगे, ये आप ब्लाउज पर भी बना सकते हैं। ये आप वेल, जो मैंने वेल बनाई है, इसको आप गले के ऊपर भी सेट कर सकते हैं और ब्लाउज की स्लीव पर और सूट के स्लीव्स पर, घेरे पर, आप कहीं पर भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा इधर से कपड़ा कम है तो आप यहाँ से इस तरह ये कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले लें और इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पर इसमें हम फ्रेम लगाने के लिए यहाँ हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते हैं। और आप इसी जो जिस धागे से हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसी धागे से ही आप ये कपड़े को इस तरह यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और अगर आपको स्लीट्स पर बनाना हो तो आप यहाँ पर साइड में स्लीट्स पर भी इस तरह कोई भी कपड़ा आप यहाँ पर स्लीट्स पर लगा सकते हैं। इस तरह पर हम स्लीट्स के ऊपर भी इस तरह कपड़ा लगा सकते हैं। अगर आप सूट के ऊपर स्लीट्स बनानी हो उसके ऊपर भी इसी तरह हम कपड़ा लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका कपड़ा बहुत पतला है तो आप नीचे न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पेस्टिंग आती है सिलाई के सूट के लिए जो पेस्टिंग आती है उसको यहाँ प्रेस के साथ भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। इससे भी आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत अच्छी होती है, एम्ब्रॉयडरी में बहुत सफाई आती है। वैसे तो चिपकाने के बिना वाला भी ग्लेस पेपर मिलता है, आप ये वाला ग्लेस पेपर लगाकर इससे भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये देखिए, और इसके बाद हम फ्रेम लगाएंगे। देखिए फ्रेम लगाते हुए ये जो हमारा ये पेज है इस साइड रखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा ये फ्रेम जो है वो यहाँ तक आ रहा है, इसलिए हम इस एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते हैं ताकि हम इसको आराम से खींच सके। ऐसे रख के और इसके ऊपर ये जो रिंग वाला साइड है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह पहले इस तरफ रखेंगे और इस तरह हम इसमें ऐसे कर देंगे। ऐसा हम अपने जो कपड़ा है उसको हम कॉर्नर से खींचेंगे ताकि कॉर्नर से खींचने से हमारा जो कपड़ा है वो छिंचता नहीं है। और अगर पतला कपड़ा हो, ग्लेस पेपर लगा लो, तो आपका जो कपड़ा है वो छिंचता भी नहीं है। छिंचता है, कपड़ा छिंचने का कारण एक तो ये होता है जो हमारी ये नीडल होती है, कई बार ये शटल से लगकर नीचे से घूर जाती है, थोड़ी सी खरखरी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा जो कपड़ा है वो छिंचने लगता है। आप नीडल चेंज कर दें। और अगर आप यहाँ पर कटवर्क नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर आप सीधी लाइन करके आप सीधा भी बना सकते हैं। मैंने इसको कटवर्क के साथ बनाया है, आप सिंपल भी बना सकते हैं। और कटवर्क के लिए हम साटन स्टिच से बनाएंगे और इसको हम जीरो से लेकर, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जीरो से लेकर 4-5 नंबर लेके जीरो कर लेंगे। पत्तियां इसी तरह बनाएंगे, हम जीरो पर लेके जाएंगे और 3-4 नंबर लेके ये देखिए
इसकी पत्तियों को हम इसी तरह बनाएंगे। गोल्डन कलर से करेंगे और सिल्की धागे और यहाँ पर जो इसकी बिंदिया है इसको भी इसी गोल्डन कलर से बनाएंगे। यहाँ पर जो बिंदिया है वो हम रेड कलर से ऊपर के नीचे है उस पर हम थोड़ा सा डिजाइन से बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमने नीचे बिंदिया सी बनाई है ये हम एक ही जगह पर चार पांच नंबर टांगा लेंगे, इससे हमारे ये डिजाइन सा बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।